ये माहे जुलहज के दिन हैं और ये औलाद के लिए खुसूसी कबूलियत के दिन हैं। ये दुआ आज पढ़ें और इस दुआ में मेरी औलाद की जगह पर अपने बच्चों का नाम ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दुआ के साथ कि ए परवरदिगार, मेरी औलाद को इस हाल में मुझे अता किया जब मैं बहुत नातुआ था, इसीलिए मेरी औलाद को अपने पना में रखना क्योंकि मैं इनको पना देने में ताकत नहीं रखता। ए परवरदिगार, मेरी औलाद को हर बुराई, शर और नुकसान से महफूज फरमा। ए खुदा, मेरी औलाद को हर बीमारी से महफूज फरमा। ए मेहरबान रब, मेरा इम्तिहान और आजमाइश मेरी औलाद में करार ना देना। ए परवरदिगार, मेरी औलाद को अपनी आश्कार और पिन्हा आजमाइशों में कामयाब फरमा। ए रब करीम, मेरी औलाद को अपने सालहीन में से करार दे और मेरी औलाद को दीन व इबादत व अखलाक में बेहतरीन लोगों में से और जिंदगी में सआदतमंदों में से मुकर्रर फरमा। ए परवरदिगार, मेरी औलाद को हलाल के जरिए हराम से रोक देना और कर्मे इलाही से अपने सवा किसी के मोहताज न करना। ए रब रहीम, जिस तरह अपनी किताब पाक की कयामत तक हिफाजत करनी है, मेरी औलाद को शैतान के शर से महफूज रखना। ए मेहरबान रब, अपने पाकिजा तरीन बंदों के साथ दोस्ती और कुर्ब और अपनी जात पर तवक्कल मेरी औलाद को नसीब फरमा। ए परवरदिगार, वो तमाम बीमारियां जो रूह व जिस्म को नुकसान पहुंचाती हैं, मेरी औलाद से दूर फरमा और अपने इरादा खैर के जरिया मुझे तौफीक फरमा के मैं अपने बेटे के लिए भुतरेन उम्मीदें और आरजूएं करूं और इन दुआओं को कबूल फरमा। ए परवरदिगार, मुझ तक मेरी औलाद का एहसान और नेकी मेरी अपनी जिंदगी में मुझे नसीब फरमा और उनकी दुआओं के जरिए मुझे मौत के बाद खुशी और सुकून अता फरमा। ए रब, ए रहमान, ए रहीम, मैं अपने बच्चों को जो मेरे जिगर का टुकड़ा है तेरे सुपुर्द करता हूं। जिस वक्त वो मेरी नजरों से ओझल हैं, वो तेरी निगाह के सामने हैं, उन्हें इस अजमत के साथ महफूज फरमा जो तेरे शाम में है। आज वो दिन है कि जिसमें वालिदैन की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। ए परवरदिगार, वो जो मेरी जबान से नहीं निकला लेकिन तेरी हिकमत व इल्म से पोशीदा नहीं है, वो अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन।